हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे बेटे के स्कूल में गैजेट ग्लीम एक स्पीकिंग एक्टिविटी थी जिसमें हमें प्रॉप्स या उसके अकॉर्डिंगली हमें कोई ड्रेस पहनानी थी और दो तीन लाइनें हमें उस पर्टिकुलर गैजेट के ऊपर बच्चे को सिखानी थी। तो मैंने वॉशिंग मशीन गैजेट चूज़ किया और ये गैजेट मैंने घर में ही हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं घर में पड़े हुए उन्हीं चीज़ों को मैंने यूज़ करके बनाया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड का कार्टन लिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। मैंने कुछ सामान मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो इस कार्टन में वो सामान भर के आया। तो इस तरह के कार्टन्स आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से भी मिल जाएंगे। मैंने वॉशिंग मशीन के हिसाब से इसे वर्टिकल खड़ा किया है, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, और बिल्कुल ठीक सामने मैं IFB की फ्रंट लोड मशीन बना रही हूँ। तो बिल्कुल ठीक सामने जो आएगा वहाँ मैंने प्लेट रख के उसे कट किया है। उसे पूरा नहीं काटना, साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, आप देख रहे होंगे, जिससे वो ये ढक्कन बना रही हूँ मैं, जो दरवाज़ा होता है वॉशिंग मशीन का जिसके अंदर आप कपड़े डालते हैं। तो इसे पूरा नहीं काटना, इतना काटना है कि ये खुल जाए और बंद हो सके। इसके बाद जो आपने काटा था सर्कल, उसके अंदर एक और आप देख रहे होंगे मैंने एक कंटेनर रखा है जो कि छोटा है उससे, और उसको आप मार्क कर लें, सर्कल बना लें। इस सर्कल को आपको पूरा काटना है, आप देख रहे होंगे कि इस सर्कल को मैंने पूरा काटा है, जो कि एक शीशा हमारी वॉशिंग मशीन में, फ्रंट लोडेड मशीन में शीशा का काम करती है, वो ये चीज़ बनेगी। तो इस तरीके से आपने काटना है। उसके बाद आपने पूरी वॉशिंग मशीन पे इसकी चारों तरफ आपने वाइट चार्ट पेपर लगाना है। अब मैं इसमें जो अपर पार्ट है, जो ऊपर की तरफ आता है, उसमें छेद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए ये, उसको पहनाने के लिए बेसिकली मैंने ये वॉशिंग मशीन बनानी है। तो इसके ऊपर का जो पार्ट होगा वॉशिंग मशीन का, अपने बेटे के सर के हिसाब से मैंने सर का सरकमफ्रेंस लेके और ये कट किया है। तो इसी तरीके से आपको ये कट करना है ताकि आपके बच्चे की जो हेड है वो इसमें से निकल पाए। अब बेबी वाइप्स जो होते हैं, उसका जो ये फ्लिप टॉप होता है जिसे लिड भी हम कहते हैं, इसको आपने रिमूव करना है। आपके पास कोई यूज्ड बेबी वाइप्स हो, उसका खाली ये पड़ा हो फ्लिप टॉप, तो आपको इस तरीके से अपसाइड डाउन लगाना है, आप यहाँ देख रहे होंगे। और मैंने यहाँ पे जो मिडल में बटन लगाया है वो एक डाबर का कोई कंटेनर था, उसकी कैप है, और साइड में आप दो छोटे बटन्स देख रहे हैं राउंड, ये भी किसी छोटी बॉटल की कैप है। आप इस तरीके से कोई भी वेस्ट आप घर में जो भी पड़ा हो वो लगा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे एडिसंग, मैंने सैमसंग का ही ब्रांड का नाम लिया है, उसी को ही अपने बेटे के नाम पे रखा है, एडी अद्वैक के नाम पे एडिसंग। तो आप भी इस तरह की क्रिएटिविटी कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ देखा होगा मैंने जो बेबी वाइप्स की जो लिड ली थी, जो फ्लिप टॉप लिया था, उसके ऊपर मैंने डिटर्जेंट लिख के उस पर स्टिक कर दिया है। उसके बाद आप ये राउंड देख रहे होंगे, मैं इसे ग्रे कलर के स्केच पेन से कलर कर रही हूँ, इसकी सिर्फ बाउंड्रीज को कलर कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से कलर कर सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ठीक बीच में एक सर्कल है, उसके अंदर मैंने जो शीट लगाई है वो आप प्लास्टिक की शीट लगा सकते हैं, मैंने लैमिनेशन के लिए जो शीट यूज़ होती है, मेरे पास घर में पड़ी थी, मैंने वो लगा दी, जो कि ग्लास का मटेरियल होता है बीच वाले सर्कल में, वहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट लगाई है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे बबल रैप मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ही बबल रैप मैंने लिया, उसको ब्लू पेंट करके यहाँ पे अंदर की तरफ मैंने स्टिक करा है, डॉक्टर टेप से मैंने इसे स्टिक करा है। ब्लू इसलिए दिया है ताकि वाटर का कलर नज़र आए, थोड़ा पानी लगे कि वॉशिंग मशीन में पानी पड़ा हुआ है।
आप चाहे तो इसके अंदर कुछ क्लोथ्स भी डाल सकते हैं, बच्चों के अपने छोटे क्लोथ्स जो छोटे साइज़ के होते हैं वो भी डाल के दिखा सकते हैं। और इसके हैंडल पे आपने देखा होगा मैंने एक सिल्वर कलर की टेपिंग करी है उसके ऊपर, तो आप भी टेप लगा सकते हैं। उसके बाद ये डिजिटल टाइमिंग मैंने दी है, ये बहुत इजी है बनानी। मैंने आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं डिजिटल टाइम लिख रही हूँ जैसे लिखा जाता है, और उसे ग्रीन कलर कर दिया, और बाकी का जो बैकग्राउंड है वो सभी मैंने ब्लैक कर दिया है। तो इसी तरीके से ये टाइम आपको नज़र आ रहा है। मैंने इसमें स्टार्ट और पावर का बटन भी ड्रॉ करा है, और उसी के साथ साथ नॉर्मल क्विक हैवी डेलिकेट भी लिखा है बीच के बटन में। आप चाहें तो कैसे भी इसको लिख सकते हैं। अपनी वॉशिंग मशीन को थोड़ा और क्रिएटिव बनाने के लिए मैंने एरियल और वैनिश के दो खाली डब्बे लिए हैं, और इसके ऊपर वॉशिंग मशीन के ऊपर मैंने स्टिक किया है। डॉक्टर टेप से ये स्टिक नहीं हुआ, एक फेवी बॉन्ड करके एक स्टिक आती है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो आप उससे स्टिक करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद ये बहुत अच्छे से पक्की तरह से स्टिक हो जाएगा, तो आपके बच्चे भी इसे रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये पूरी वॉशिंग मशीन बनाई है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो हाथ के लिए भी मैंने जगह दी है, दो होल बनाए हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे हैंड के, जिससे बच्चा इसे कंफर्टेबली पहन सके और कंफर्ट जोन में रहे जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे।